वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जयपुर के अंदर हैं, क्योंकि आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा था अजमेर वाला, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया आपने उस ब्लॉग को भी, और इसी तरीके से इस ब्लॉग को भी आप बहुत प्यार देना। हम लोग निकल चुके थे मेट्रो से जयपुर को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था, हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना था। सबसे पहले हम तीन चार जगह पे घूमे थे, जैसे कि आमेर फोर्ट, हवा महल, और एक म्यूज़ियम था अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, ऐसे कुछ करके नाम है, मैं भी देखती हूँ चेक करके। फिर ये आमेर का फोर्ट का जो व्यू था ना, वो बहुत खूबसूरत था, इतना सुंदर लग रहा था। पर लेकिन यार, इसकी चढ़ाई जो इतनी ख़तरनाक थी ना, आप देख रहे हो, टॉप पर जाना है हमने बिल्कुल। तो हम लोग, वैसे जीप भी जाती है, पर हमने सोचा जीप से मज़ा नहीं आएगा कि तुरंत 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन जो चढ़ने का मज़ा था, और फिर थक बहुत गए थे, देखो क्या हालत हो गई मेरी। तो यहाँ पर हम चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर तक आ गए, फिर हम थोड़ा बैठे, थोड़ा खा पी के, तो ऐसे करके हम चढ़े। अम्मी पापा भी बहुत मुश्किल से चढ़ पाए थे। फिर अंदर हम सब जगह घूमे, बहुत खूबसूरती से, इतनी अच्छी बारीकी से। हमने इसका शीश महल भी देखा, शीश महल बहुत सुंदर है। ये इसका दरवाज़ा था अंदर जाने का, अंदर जाते ही आपको शीश महल मिलेगा। बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स भी थे इसके अंदर, बहुत सुंदर जगह है। और ये बहुत बड़ा किला है, मेरे ख्याल से जयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस, हर कोई जानता है आमेर फोर्ट, पर लेकिन घूमने में बहुत ही, ये एक छोटा सा इनका बाग था, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा बाग था। बहुत सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन करा था उस टाइम के महाराजा राजाओं ने, ये राजपूताना बहुत ज़्यादा थीम है। देखो शीश महल पूरा बारीकी से शीशा लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि देखने में आप अपनी इमेजिनेशन, मतलब मिरर्स को इसमें आप खुद देख सकते हो आराम से। बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा था, बहुत सुंदर है। उसके बाद हम लोग निकल के म्यूज़ियम के लिए, हमने सबसे लास्ट में हवा महल देखा। रास्ते में हवा महल पड़ा था, पर लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम बड़ी जगह कवर करेंगे जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हवा महल से हमारा होटल जो था वो बहुत नियर था, इसलिए हमने लास्ट में हवा महल को चुना। हवा महल का आपका जो ये व्यू दिख रहा है ना, इतनी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ना, आगे की वीडियो में देखना प्लीज़, डोंट स्किप द वीडियो। फिर हम लोग पहुँच गए थे इस मतलब म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम भी बहुत सुंदर सा है और बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम है। हम लोग उसे पूरा घूमा नहीं गया था क्योंकि थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। अब फिर हमने इसके अंदर एंट्री ली, आप लोग देखना। फिर यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी देखे हमने जो घूमने आए थे, अपनी पुरानी यादें ताज़े हो गई। हम लोग भी स्कूल से घूमने जाते थे, हमारे भी स्कूल वाले लेके जाते थे हमें घुमाने के लिए दिल्ली में, तो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग भी ऐसे ग्रुप फ़ोटोज़ क्लिक कराते थे और बहुत मज़े लेते थे सबके साथ, जो भी घूमने आता था उनसे बहुत मज़े लेते थे। तो बस हम फटाफट पहुँचे म्यूज़ियम के अंदर, फिर हमने म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया, दैट्स इट। फिर आप लोग म्यूज़ियम देखें, म्यूज़ियम भी बहुत सुंदर है, देख लो इसका इंटीरियर अंदर बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी थी, मैं तो इतने गौर से देखा नहीं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि आराम बहुत परेशान कर रहा था, कभी मेरी गोद में था और मैं ठीक से ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो आप बस इन्जॉय करो इसको देख के। क्या लिखा है? ड्रेस ऑफ अ विलेज लेडी, गांव की औरत का ड्रेस, गांव की औरत का ड्रेस, राजस्थान की कढ़ाई, ये
आदमियों की पोशाक है, पोशाक ड्रेस पोशाक राजस्थान की कढ़ाई। नहीं 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 फिर हम पहुंच गए थे हवा महल के अंदर। हवा महल सच में बहुत ज़्यादा खिड़कियों वाला है, क्योंकि इसलिए इसका नाम हवा महल रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं। हम जब ऊपर चढ़े थे ना, तो मैं गलत रास्ते चढ़ी थी, उतरने वाले साइड से मैं चढ़ गई थी, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी सी ना ऐसी थी कि आप उतरने में आसानी हो, चढ़ने वाली नहीं थी, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी चढ़ने में, पर लेकिन कोई बात नहीं, आराम से चढ़ ली। फिर छोटी छोटी खिड़कियाँ देखी हमने, पूरा व्यू देखा ऊपर से लेके नीचे तक, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, हम इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए थे। तो बहुत सुंदर है पूरा, देखो सब लोग फ़ोटोज़ अपनी क्लिक करा रहे थे। हवा महल ना बस बाहर से देखने में जो है चीज़ वो अलग चीज़ है, अंदर से देखने में बहुत अलग है। तो देख रहे हो सीढ़ियाँ कैसी, उतरने वाली सीढ़ी थी, सब में उल्टा होता उतर के आ गई थी। हमने मार्केट देखा पूरा ऊपर से, और हवा महल का जो थोड़ा सा साइड वाला पार्ट है उसमें हम लोग खड़े हुए थे। देखो सामने वो हवा महल की पूरी वो दीवारें हैं जहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा सच में आ रही थी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं और सारी खिड़कियाँ खुली हुई थी, बहुत अच्छा व्यू था। मिलते हैं ऐसे ही एक अनदर ब्लॉग के साथ। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंने चीज़ों को रिकॉर्ड करा है, अब मैं धीरे धीरे उसको अपलोड करना शुरू करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।